तो जैसा कि आप सभी ने यहाँ पर थंबनेल में देखा होगा कि मैंने आप सभी को थंबनेल में बताया है आधार कार्ड पर एड्रेस चेंज करने के लिए यानी सुधार करने के लिए, साथ ही साथ में अगर आपका पिताजी का नाम है तो वहाँ पर पिता के जगह पर पति का नाम या तो पति के जगह पर पिता का नाम अगर सुधार करना है और पूरी तरह से एड्रेस को आपको सुधार करना है आधार कार्ड में, तो आप घर बैठे बिल्कुल आप आसान तरीके से आप आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं इसमें आपको सारा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल आप सभी को अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप के दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि जिनको भी ज़रूरत पड़े इस तरह का सोल्यूशन सुधार करने के लिए, करेक्शन करने के लिए आधार कार्ड, तो आप घर बैठे इस तरह से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले आपको इस वाले वेबसाइट पर चले आना है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां से इस वाले वेबसाइट पर आप डायरेक्ट चले आएंगे। अब जो वेबसाइट है आधार कार्ड का पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले आपको आधार कार्ड जिस तरह से ओपन होता था आधार कार्ड का वेबसाइट, उस तरह का आप अब ओपन नहीं हो पाता है। अब बिल्कुल आसान अब कर दिया पहले के अनुसार, अब इसमें एक ही पोर्टल में सभी सुधार और सभी तरह के किसी भी तरह का कुछ अगर डाउनलोड करना है तो एक ही पोर्टल में कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको आना है इसी वाले वेबसाइट पर, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो आपको नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आने की आती है, यहाँ से भी आप डायरेक्ट चले आ सकते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधे आपको ले चलता हूँ अपने वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आपको ये वाला वेबसाइट जो लिखा है myaadhar.uidai.gov.in, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर ओके करना होगा, न्यू पेज आपको ओपन होगा। इस तरह से आपको न्यू पेज ओपन होगा, पहले इस तरह का पेज ओपन नहीं हो पाता था। तो यहाँ पर पूरी तरह से चेंज हो चुका है, इस तरह से आपको वेबसाइट ओपन होगा। और ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि सबसे पहले आपको लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर आप इसको लॉगिन कीजिएगा और लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको आधार नंबर फिलअप करना है, इसके बाद ये कैप्चा जो शो हो रहा है इस वाले बॉक्स में फिलअप करना है। इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करें, तो ओटीपी आपको मोबाइल पर आएगा जो आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा, उस पर ओटीपी आएगा और यहाँ पर ओटीपी डालना है, इसके बाद लॉगिन करना है। तो चलिए मैं आपको सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप करके लॉगिन करके शो कर देता हूँ कि आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो इस तरह से मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर फिलअप कर चुका हूँ, इसके बाद कैप्चा फिलअप कर चुका हूँ, इसका सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। एक बात यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर जिनका आपको आधार कार्ड में सुधार करना है उन्हीं का यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना होगा। इसके बाद यहाँ पर सेंड ओटीपी पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पर ओटीपी जनरेटेड सक्सेसफुल हो चुका है, आपका जो आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर एक ओटीपी चला गया होगा। यहाँ पर ओटीपी फिलअप करना है, इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि लॉगिन करना है। ओटीपी का टाइम यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ एक मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए जल्दी जल्दी ओटीपी फिलअप कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ओटीपी डाल चुका हूँ, इसके बाद लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। आप ध्यान देंगे यहाँ पर टाइम या एक्सपायर नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं इस तरह से लॉगिन हो गया हूँ, आप इस तरह से आप भी लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपको सारा डिटेल देखने को मिल जाएगा कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो मुझे इसमें सुधार करना है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा प्रोसेस नहीं बताऊंगा, इसमें सुधार करने के लिए डायरेक्ट लेकर चलता हूं, क्योंकि टाइम यहां पर ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको जल्द से जल्द ही कोशिश करूंगा कम समय में आप इसी को जल्दी सुधार कर दें। तो यहां पर आपको अपडेट आधार ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे पेज आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा, इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर आपको प्रोसेस टू अपडेट आधार वाले पर आना है, इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिटेल ओपन हो जाएगा कि आपको क्या क्या सुधार इसमें कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें आप लैंग्वेज सुधार कर सकते हैं, नाम इसमें दो बार सुधार कर सकते हैं, टू अपडेट लेफ्ट लिखा हुआ है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर जीरो अपडेट यहाँ लिखा गया है, यानी कि जीरो आप डेट ऑफ बर्थ नहीं सुधार कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर जेंडर यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस सुधार करना है, तो मुझे एड्रेस और पिता का नाम या पति का नाम सुधार करने के लिए आपको एड्रेस अपडेट वाले सेक्शन पर आना होगा। तो एड्रेस वाले पर इस पर क्लिक कर लेंगे, इस तरह से आपको चेकबॉक्स पर क्लिक कर लेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले सेक्शन पर आना होगा, फिर से इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज ओपन हो जाएगा, पहले का जो डिटेल होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्या क्या इस पर डिटेल था। यहाँ पर पहले वाला यहाँ पर डिटेल सारा देखने को मिल जाएगा। आप थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ पर पूरा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करने के लिए आ जाएगा। जो आपको सही रखना है उसको डिटेल यहाँ पर डालना है, जैसे कि यहाँ पर फादर नेम या पति का नाम यहाँ पर रख सकते हैं, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आएंगे, अपार्टमेंट या बिल्डिंग नंबर डालेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्ट्रीट, रोड या लेन या मोहल्ला का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं, यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको लैंडमार्क में आपको कोई अगर मोहल्ला या पुलिस स्टेशन या पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर पिन कोड फिलअप करना होगा, तो पिन कोड फिलअप करेंगे, इसके बाद यहाँ पर आपको डिटेल ओपन होगा। तो चलिए मैं आपको पहले इतना डिटेल फिलअप करके शो कर देता हूँ, इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है। तो चलिए यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। तो मैंने आप सभी को यहाँ तक बताया था पिन कोड तक, तो पिन कोड तक इस तरह से आप फिलअप कर लें जैसा कि मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। जो सही होगा उस डिटेल को यहाँ पर फिलअप करना होगा।
तो यहाँ तक डिटेल आपको फिलअप करके पूरी तरह से बता दिया था कि आपको क्या क्या यहाँ पर डिटेल फिलअप करना है। मैंने यहाँ पर डिटेल सारा फिल कर चुका हूँ। यहाँ पर जो सही डिटेल होगा उसी को फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गांव या टाउन का नाम आएगा, तो यहाँ पर अपना सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका गाँव का नाम होगा। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपना गाँव का नाम सेलेक्ट करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हिंदी में नाम आ जाएगा। अगर यहाँ पर गलत हुआ तो आप सुधार कर सकते हैं यहाँ पर नाम को। इस तरह से आप नीचे आएंगे और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर शो कर रहा है। पोस्ट ऑफिस यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे आपको पिन कोड के माध्यम से यहाँ पर ऑटोमेटिक ले लेता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी ले लिया है, सारा डिटेल यहाँ पर ले चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पर मैनुअल अपलोड पर आएंगे, यहाँ पर रहने देंगे इसको। अगर आप डिजी लॉकर से होगा तो यहाँ पर डिजी लॉकर आप अपना यूज कर सकते हैं इसके लिए। और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या देना होगा तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके पास होगा। जैसे मेरे पास वोटर आई डी कार्ड है, यहाँ पर वोटर आई डी कार्ड सेलेक्ट करेंगे। और इस तरह से यहाँ पर डॉक्यूमेंट दिखाया जा रहा है कि इसमें जो भी आपका प्रोसेस होगा क्या क्या होगा, इसमें आपको सारा डिटेल समझाया गया है कि आपको क्या क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है मस्ट होना चाहिए क्या क्या, तो वोटर आई डी मस्ट बी यूज इन नेम ऑफ रेसिडेंट, यानी कि जो आपका रेसिडेंस यानी आवास होगा वोटर आई डी कार्ड पर सही होना चाहिए। इसके बाद वोटर आई डी मस्ट बी हैव ए फोटो ऑफ द रेसिडेंट, यानी कि जो आपका जो वोटर आई डी कार्ड है उस पर आपका फोटो होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर स्कैन इमेज ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी एलिजिबल, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा आपको यहाँ पर पूरी तरह से सही होना चाहिए। और अपना पीडीएफ में यहाँ पर डॉक्यूमेंट को लगाएंगे और जो स्कैन करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, साफ आना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर ओके करेंगे और यहाँ पर डिस्क्लेमर आपको समझा दिया गया है क्या क्या होना चाहिए सही तरीका से। और यहाँ पर आप अपलोड वाले सेक्शन पर आना है, यहाँ से आपको फाइल को कंटिन्यू यहाँ पर चूज कर लेना है। इस वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फाइल शो करेगा कि आपको कौन सा फाइल है, आपको यहाँ पर चूज करके लगा लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर फाइल को लगा लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पीडीएफ बना चुका हूँ। इस वाले पीडीएफ को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा, यहाँ पर ग्रीन कलर होगा तभी आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। अगर जेपीजी डालेंगे तो जेपीजी नहीं होगा, आपको पीडीएफ डालना होगा। यहाँ पर पीडीएफ डालने के बाद आपको क्या करना है कि नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेज इस तरह से ओपन होगा। आपको यहाँ प्रीव्यू मिलाने के लिए देगा, जो भी आपने अभी तक डिटेल फिलअप किया है वो डिटेल आपको यहाँ पर प्रीव्यू में देगा आपको मिलाने के लिए कि आप क्या क्या डिटेल आपने फिलअप किया है अभी तक। तो यहाँ पर प्रीव्यू में आप पूरी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद आपके आगे का प्रोसेस करना हो तो चलिए यहाँ से डिटेल मिलाकर और यहाँ पर आपको क्या करना है कि दोनों यहाँ पर टिकआउट बॉक्स पर लगाना है और यहाँ इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। सारा डिटेल मिलाने के बाद आपको नेक्स्ट वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड आ जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड आ चुका है। यहाँ पर लिखा है यू विल बी चार्ज 50 रुपीज़, आपको 50 रुपये चार्ज कटेगा। उसके लिए आपको नीचे आना है थोड़ा सा और यहाँ पर आपको टिकआउट लगाना है और इस तरह से यहाँ पर मेक पेमेंट वाले सेक्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको पेमेंट का मोड आ जाएगा कि आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पर आपको पेमेंट का मोड यहाँ पर कार्ड है, यानी डेबिट कार्ड एटीएम से कर सकते हैं, वैलेट से और यहाँ पर पेटीएम वगैरह से कर सकते हैं। अगर आप पेटीएम से करना चाहते तो पेटीएम से भी कर सकते हैं, जैसे फ़ोनपे वगैरह हुआ। तो यहाँ पर वैलेट वाले सेक्शन पर आएंगे, यहाँ पर सब डिटेल आपको देखने को मिलेगा क्या चीज़ आप पेमेंट करना चाहते हैं। अगर कार्ड से करना चाहते तो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड वाला सेक्शन पर चले जाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोनपे का ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, मैं इसी से पेमेंट करना चाह रहा हूँ। तो इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद प्रोसीड वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर फ़ोनपे का यूपीआई जो नंबर होगा उसको आपको फिलअप करना होगा। जैसे आपका जो भी यूपीआई नंबर होता है यहाँ से फिलअप करेंगे या तो क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। चलिए मैं यहाँ पर क्यूआर कोड स्कैन कर लूँ, सबसे बेहतर रहेगा। तो यहाँ पर शो क्यूआर कोड पर क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, इसको स्कैन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके शो कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर 7 मिनट यहाँ पर टाइमिंग लिखा गया है, 7 मिनट के अंदर आपको इसको स्कैन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ स्कैन कर लेता हूँ। इस तरह से आप स्कैन करेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ पर आपको फ़ोनपे में 50 रुपये का चार्ज आएगा और यहाँ पर पे पर क्लिक कर लेना है। पे पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यूपीआई नंबर डाल लेना है, जो भी आपका यूपीआई नंबर होगा। इसके बाद ओके करना है। ओके करने के बाद ऑटोमेटिक आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा यहाँ पर। जैसे आपका सक्सेस हो यहाँ पर सक्सेस लिख देगा, आपको इस तरह से पेमेंट सक्सेस हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेना, आपको रिफ्रेश नहीं करना है, आपको इस तरह से सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पर आपको शो हो रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे तो यहाँ पर मेरा देखेंगे आपको यहाँ पर पेमेंट सक्सेस हो चुका है, आपको पूरी तरह से यहाँ पर सक्सेस हो चुका है। यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर को यहाँ पर प्रिंट करके रख लेना है ताकि आपको किसी भी तरह का आगे का फ्यूचर में आपको काम आएगा। यहाँ पर स्टेटस चेक करने के लिए आप इसी से चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका सभी डिटेल सुधार हो चुका है। वीडियो आप सभी का अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर गो टू सेक्शन पर जाएंगे। अब यहाँ पर गो टू डैशबोर्ड पर चले आए हैं। आपको स्टेटस चेक करना होगा तो स्टेटस चेक करने के लिए आपको नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको लिखा गया आधार अपडेट, यहाँ पर डिटेल लिखा गया है, वेरीफाई स्टेज यहाँ पर हो चुका है।
आप 24 घंटा के अंदर आप स्टेटस चेक करके यहाँ पर देख सकते हैं। 24 घंटा के अंदर आपको पूरी तरह से अपडेट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको 24 घंटा के अंदर सक्सेस हो जाएगा। तो आपको स्टेटस चेक करने के लिए आपको लाइव प्रूफ अगर देखना चाहते हैं तो आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिससे आप खुद से घर बैठे लाइव स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।